हेलो स्टूडेंट्स। सो यार फाइनली आपका आईसर का जो रिजल्ट है वो आ चुका है एंड लोट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग अबाउट द भैया हमारा फर्स्ट अलॉटमेंट कब आएगा और क्या प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट का क्या प्रोसेस है। तो यार जनरली जब आपका रिजल्ट आता है तो उससे अप्रोक्स 2 से 3 वीक्स अलॉटमेंट आने में लग जाते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने जो है अपनी डॉक्यूमेंट्स अपनी मार्कशीट वगैरह रिसेंटली अपलोड की है टिल लास्ट 6 जुलाई तक, ठीक है। तो अब आपकी जो है प्रेफरेंस बनाई जाएगी बिकॉज आपको जो अलॉटमेंट होता है आपकी कैटेगरी के रैंक के बेसिस पे होता है, ठीक है। एंड जो टोटली 7 आईसर्स है एंड ये जो काउंसलिंग है वो इंडिविजुअल आईसर के द्वारा ही हैंडल की जा रही है। इनके पास एनटीए जैसी कोई बहुत बड़ी एजेंसी नहीं है या फिर बहुत कोई बड़ा सिस्टम नहीं है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इनोवेशन कोई बहुत बड़ी लीडरशिप टीम मैनेजमेंट टीम कुछ भी नहीं है। वी हैव द गुड टीम जो हैंडल कर रही है पिछले कई सालों से और ये लोग भी एक सोसाइटी की तरह हैंडल करते हैं। मैं सोसाइटी के पहले इस बार ही आईसर हैंडल करेगा, इस बार ही आईसर हैंडल करेगा, इस बार ही आईसर हैंडल करेगा। तो यार अप्रोक्स 2 वीक्स का टाइम लगता है। तो 3rd week ऑफ द जुलाई, ठीक है, अप्रोक्स 2nd week तो स्टार्ट हो चुका है। तो 3rd week ऑफ द जुलाई टिल आप 20 जुलाई से पहले आप मान सकते हो अप्रोक्स 16 या 17 तारीख को, 14 तारीख के बाद में आपका जो है फर्स्ट अलॉटमेंट आने के पूरे आप चांसेस हैं कि आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। एंड अलॉटमेंट आने के बाद आपको क्या करना है, क्या सारा प्रोसेस है। पहला जो आपका रहता है जो आपको पहले बताना है इंस्टीट्यूट को, ठीक है, आप फ्रीज करना चाहते हो या फिर फ्लोट करना चाहते हो। फ्रीज का मतलब यह होता है जैसे आपको जो है आयसर किसी भी आयसर में कोई सीट मिली अगर आपने फ्रीज कर दिया इसका मतलब ये हुआ कि आप उस सीट पे रुक गए, आप उस सीट से सेटिस्फाइड है एंड आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर उस सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। एक होता है फ्लोट का ऑप्शन। फ्लोट का मतलब यह होता है बेसिकली कि भैया मेरे को सीट तो मिल गया, अच्छा ठीक है, लेकिन क्या मेरे को इससे ऊपर का भी कोई सीट मिल सकता है क्या, क्या मेरे को इससे अच्छा भी सीट मिल सकता है क्या। जैसे मेरे को 3 नंबर वाला सीट मिल गया लेकिन मेरे को क्या है कि यार मेरे को तो 1 नंबर वाला सीट मिल जाता तो अच्छा लगता। उस कंडीशन में आप फ्लोट दबाओ। फ्लोट मतलब वो सीट जो आपको मिली है वो तो आपके लिए है ही, लेकिन हो सकता है अगले राउंड में आपको इससे ऊपर वाला मिल जाए। हाँ, हो सकता है आपको 2 नंबर वाली सीट मिल जाए अगले राउंड में, हो सकता है आपको अगले राउंड में 1 नंबर वाली सीट मिल जाए, तो उसको बोलते हैं फ्लोट, ठीक है। उस कंडीशन में आप फ्लोट दबाइए, ठीक है, हो गया। ये तो सिंपल बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज रहता है एंड ऑलमोस्ट इतना तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको सबमिट, बेसिकली आपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। कैटेगरी आपका फीस का थोड़ा ध्यान रखना है, आपको फीस पेमेंट करना रहता है। अगर आप फीस फेल्ड कर देते हैं देन आईसर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है, आप अपने बैंक से बात करिए या फिर फीस वगैरह आप अपने बैंक अकाउंट में रखिए, सर्वर का कोई इश्यू ना हो या फिर आप किसी भी सीएससी सेंटर इमिटर सेंटर पर नजदीकी जाके आप अपनी फीस पेमेंट करवा सकते हैं। इसके बाद में जो है आपको जो भी आपका नॉर्मल प्रोसेस है इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाते हैं हर साल ही। आपका बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कट ऑफ वाला सीन है क्योंकि IAT इस बार अकेला टेस्ट हो रहा है, पहले तो JEE एडवांस KUPY भी हुआ करता था, तो फिर उसमें क्या प्रोसेस है भैया इस बार क्या हमारा रैंक वगैरह क्या जा सकता है। तो जनरल वाले बच्चे अप्रोक्स 5000 आईसर, ओबीसी वाले बच्चे अप्रोक्स 2000 आईसर रैंक, एससी वाले बच्चे अप्रोक्स 800, एसटी वाले बच्चे अप्रोक्स 400, AWS वाले बच्चे अप्रोक्स 900 के आसपास अपनी रैंक एक्सेप्टेशन कर सकते हैं जहाँ पे आपको सीट अलॉट हो सकती है। मार्क्स वाइज अगर हम बात करें एसटी वाले बच्चे 30 मार्क्स, एससी वाले बच्चे अप्रोक्स 50 मार्क्स 45 से 50 मार्क्स, AWS वाले बच्चे अप्रोक्स 75 to 80 मार्क्स एंड जनरल वाले बच्चे अप्रोक्स 95 to 100 मार्क्स। मान सकते हो कि इस मार्क्स तक आपको अलॉटमेंट होने के पूरे चांसेस आईसर 2024 एडमिशन प्रोसेस के अंदर है। जो भी बच्चे ऐसे हैं, जो भी पेरेंट्स अप्रोक्स, यार ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आईसर में जितने भी बच्चे अप्लाई करते हैं जितने भी बार कॉल आते हैं उनके पेरेंट्स के बच्चों के बहुत कम कॉल आते हैं लेकिन पेरेंट्स के बहुत ज्यादा कॉल आते हैं, यू नो। बट जो साइमल्टेनियसली हम अदर देन इंजीनियरिंग की जो काउंसलिंग करते हैं, नीट की जो काउंसलिंग करते हैं, उसमें क्या होता है उसमें बच्चे डायरेक्टली कॉल करते हैं, भैया इंस्टीट्यूट मिल रहा है अच्छा है कि ये बुरा है कि इसमें क्या करना है, इसमें इतनी फीस है इसमें वो फीस है, लेकिन आईसर वालों में पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं बच्चों के लिए। मतलब आईसर में बच्चे सीरियस नहीं है क्या, पेरेंट्स ज्यादा सीरियस है बच्चों के लिए। हाँ, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि आईसर में जो बच्चे अप्लाई करने जा रहे हैं वो थोड़े जागरूक है अपने फ्यूचर के लिए थोड़े ज्यादा अदर देन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि वो जो बच्चे हैं
वो तो भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, लेकिन इट्स वेरी गुड पॉइंट दैट कि यार ये जो आयसर में लोग बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं अप्रोक्स 60,000 बच्चे, पहले तो अप्रोक्स पिछले साल अप्रोक्स 34,000 थे, उससे पहले 23,000 हुआ करते थे, और जब हम 2019 से वीडियोज बनाना स्टार्ट किए उससे पहले तो कुछ ही बच्चे हुआ करते थे, उनको पता ही नहीं हुआ करता था। एंड वी आर क्रिएटिंग द वीडियोज ऑन द यूट्यूब, तो लोगों को थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा है कि हाँ ऐसे ऐसे भी इंस्टीट्यूट है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयसर के अलावा अदर देन जैसे ISI है, CMI है, एंड जैसे नाइसर है, एंड और भी बहुत सारे टाटा के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत ही अदर अदर टाइप के रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, वो भी गवर्नमेंट है, आईसर से भी बेटर है, लेकिन इंडिया में बच्चों को पता ही नहीं है कि यार ऐसे ऐसे भी इंस्टीट्यूट है क्या, क्योंकि पता तो होगा कहाँ से, बिकॉज यू आर डूइंग द स्क्रोलिंग रील्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो यार अगर आपको भी और भी बहुत सारे डाउट है रिगार्डिंग के भैया हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, डॉक्यूमेंट कौन से जमा कराने हैं, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, ट्यूशन फीस वेवर कैसे होगा, और क्या प्रोसेस है, आईसर के अलावा अदर देन सर बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन कौन से है भैया अगर हमको लोट नहीं हुआ तो, टोटल 60,000 के आसपास अप्रोक्स बच्चे मान रहे हैं कि अप्लाई किए हैं, लेकिन यहाँ पे सीट तो बहुत कम है, सभी को तो मिलेगा नहीं, लेकिन हमको तो ऐसे ही कोर्स करने हैं, BSMS जैसे रिसर्च टाइप कोर्सेस और कहाँ मिलेंगे हमें, और कौन से इंस्टीट्यूट है, देन आप हमारी हेल्पलाइन नंबर चेकआउट कर सकते हो, वी विल हेल्प यू टू गेट प्रोवाइड द बेस्ट अलॉटमेंट फॉर योर रैंक, फॉर योर मार्क्स, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर प्लेसमेंट। इसके लिए हम कोई आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करते हैं, वी विल शेयर योर नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अगर सेटिस्फाई लगता है, आपको अगर लगता है कि यार इनको इतने साल का नॉलेज है, वी आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री सिंस फ्रॉम द लास्ट 5 to 6 years, जब तक आयसर के बारे में कोई जाना भी नहीं करता था, आप अगर जाके देख करोगे 2019 के अंदर हमने पहली बार आयसर एंड आयसर एंड ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में पता वीडियोज क्रिएट करना शुरू किया है, ठीक है। एंड जो भी आपको आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे वो लोग तो अप्रोक्स 2022-23 के अंदर 2-3 साल से वीडियोज बनाना शुरू किए होंगे, ठीक है। इनफैक्ट इस चैनल से पहले हमारा 2.5 लाख का सब्सक्राइबर्स का बहुत बड़ा चैनल हुआ करता था, बट ड्यू टू द सम इश्यूज द चैनल वाज डिलीटेड एंड अगेन वी स्टार्ट दिस न्यू चैनल, ओके। सो नो वरी, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट है 24/7 वी आर अवेलेबल, एंड या श्योर यू कैन अप्लाई ऑन द इंस्टीट्यूट एंड डू योर बेस्ट, और अच्छी कॉलेजों में जाइए, पढ़ाई करिए और जिंदगी जिए।